हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम इस डीप स्विच के बारे में जानने वाले हैं, ये डीप स्विच का काम क्या है और उसे कब इस्तेमाल करना चाहिए। अभी ये मशीन नया इंस्टॉल है, इसके अंदर पूरा प्रोग्रामिंग होके आता है, इसकी वजह से हमें डीप स्विच को छेड़ना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ये पीसीबी को चेंज करेंगे तो हमें डीप स्विच के अंदर सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे कि अभी ये 16 एचपी है तो इसकी सेटिंग अलग रहेगी, मतलब 4 नंबर ऊपर, फिर सेकंड में 2 नंबर ऊपर, कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग रहेगी। अगर ये पीसीबी हम 10 एचपी में लगाएंगे तो उसकी सेटिंग अलग रहेगी। तो दोस्तों, जब भी हम ये पीसीबी चेंज करते हैं तो 8 एचपी, 10 एचपी, 12 एचपी, 14 एचपी, 16 एचपी, 18 एचपी या फिर 20 एचपी, ये सभी को एक ही पीसीबी आ जाता है। हम उस पीसीबी को कौन से भी मशीन के अंदर लगा के चला सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कंपनी की तरफ से पीसीबी आता है उसे हम दूसरे के अंदर लगा के नहीं चला सकते, क्योंकि इसके अंदर कंपनी की तरफ से प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है। तो जब भी हम पीसीबी को 16 एचपी में इंस्टॉल करते हैं वो टाइम हमें डीप स्विच को चेंज करना पड़ता है, और फिर 10 एचपी में डालेंगे तो 10 एचपी की सेटिंग करनी पड़ती है। सब हर एचपी के लिए अलग अलग सेटिंग रहती है, लेकिन ये सेटिंग मशीन के साथ आए हुए पीसीबी के साथ नहीं कर सकते। जो पीसीबी हमने रिप्लेस किया है उसके साथ ही हम सेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं इस ओरिजिनल पीसीबी को दूसरे एचपी के अंदर डालूंगा तो ये चलेगा नहीं, अगर मैं डीप स्विच की सेटिंग भी कर दूं तो भी ये नहीं चलेगा। तो यही है दोस्तों ये डीप स्विच का काम। ये ओरिजिनल पीसीबी के अंदर तो कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ अगर हम एक नंबर का बटन ऑन करेंगे तो ये सिस्टम कभी भी हीट मोड पे नहीं जाएगा, कूल मोड पे ही चलेगा। इतना ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं फिलहाल तो। लेकिन जब ये पीसीबी रिप्लेस होगा उस टाइम हम इस पीसीबी को कौन से भी आउटडोर के अंदर चला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यार, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।